जाते हैं और वशिष्ठ महाराज जी समझा करके यहाँ से चले जाते हैं कि आपके पिता आपको राजा युवराज पद की पदवी प्रदान करने जा रहे हैं। वशिष्ठ महाराज जी यहाँ से चले जाते हैं। श्री राम जी उदास हो जाते। जानकी जी ने पूछा कि आप तो राजा बनने वाले हो, इसीलिए आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आप इतने दुखी हो गए हो। तो श्री राम जी ने जानकी जी से कहा कि जानकी, इस कुल में यही अनुचित हो रहा है। हम सारे भाइयों का जन्म एक साथ हुआ है, मतलब थोड़ी छोटे बड़े हैं, एक साथ जन्म हुआ है, बाल लीला एक साथ में हुए, जनेऊ संस्कार एक साथ में हुआ है, विवाह एक साथ में हुआ है, लेकिन राज के समय में राजगद्दी प्रदान कर रहे हैं पिताजी मुझे अकेले को, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे छोटे भाई शासन करे, मैं ये चाहता हूँ तो राजगद्दी पर तो भरत बैठे तभी मुझे अच्छा लगेगा। तो यही विचार करके श्री राम जी, जानकी जी कुछ समझ नहीं पाई और श्री राम जी ने आदेश दिया एक दासी को कि तुम जा करके मेरी माँ के कैसे कहना कि श्री राम के सर में दर्द है, इसीलिए आपको जल्दी से बुलवाया है। तो दासी दौड़ करके श्री माँ केकई के पास में जाती है और माँ केकई से कहती है कि राजकुमार, आपके श्री राम के सर में दर्द है। तो सुनते ही श्री माँ केकई बिना ही चरण पादुका के यहाँ से दौड़ करके चलती है। अब देखो श्री माँ केकई संसार में आधे लोग उनकी बुराई करते हैं, आधे तारीफ करते हैं। श्री नारद जी के मन में भी यही बात आई कि श्री माँ केकई अच्छी नारी है कि खराब है, कैसी नारी है। तो श्री नारद जी ने केकई माँ के फाइल को उठाया और लेकर के पहुंचे कहाँ पर, चित्रकूट धाम में श्री राम जी के पास। राम जी से पूछा कि ये बताओ राघव कि केकई माँ संसार में अच्छी नारी है कि खराब है। तो श्री राम जी ने कहा कि उनके समान अच्छी और महान नारी तो संसार में कोई है ही नहीं, वो उतनी अच्छी है। तो श्री नारद जी वहां से फाइल को उठाए और पहुंचे कहाँ पर, नंदी ग्राम में श्री भरत जी के पास। आप बताओ कि केकई माँ अच्छी नारी है कि खराब है। तो नंदी ग्राम में श्री भरतलाल जी ने कहा कि उनके समान तो दुनिया में कोई खराब नारी है नहीं, वो इतनी खराब नारी है। तो श्री नारद जी ने कहा कि ये तो पक्ष विपक्ष वाली बात हो रही है, ऐसा करें कि किसी तीसरे पक्ष के पास में जाते हैं जो निर्विवाद है, जिसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा पक्ष श्री सुमित्रा मैया के पास में जैसे श्री नारद जी गए और नारद जी ने पूछा कि माँ ये बताओ कि केकई अच्छी नारी है कि खराब नारी है। तो श्री सुमित्रा माँ ने हंसते हुए कहा कि देव ऋषि जी, ना तो मैं उनकी तारीफ कर रही हूँ, ना मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, ना मैं ये कह रही कि वो अच्छी है, ना मैं ये कह रही कि वो खराब है। मैं तो आपको तीसरी ही बात बताने जा रही हूँ। क्या? बोले संसार में सबसे ज्यादा महान वही माता है, वही नारी महान माता कहलाने लायक है जिसकी संतान संसार में आए तो तीन प्रकार के संतान को वो संसार में प्रकट करे। या तो उसकी संतान संसार में आकर के रघुनंदन के चरणों की दास बने, भक्त बने, या तो उसकी संतान संसार में आकर के राष्ट्र की सेवा करने के लिए सैनिक बनकर के राष्ट्र की सेवा में जाए, और या तो उसकी संतान दानवीर कर्ण के समान दानी हो। ये तीन प्रकार में से एक प्रकार की भी संतान को प्रकट करने वाली माँ दुनिया में सबसे महान माँ कहलाती है। तो श्री भरत लाल जी जो श्री राम जी के चरणों में इतना प्रेम करते हैं, ऐसे संत शिरोमणि भरत को प्रकट करने वाली वो माँ केकई खराब कैसे हो सकती है? अगर उनकी प्रवृत्ति खराब होगी तो कभी भी श्री भरत जैसी संतान को प्रकट नहीं कर सकती है। दिव्य संतान को प्रकट करने के लिए दिव्यता मन में होना भी जरूरी है। तो श्री माँ सुमित्रा मैया ने कहा कि संसार में मैया केकई के समान कौन है जिसने श्री भरतलाल जैसी संतान को प्रकट किया है। तो उसी समय श्री नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब श्री माँ केकई को बुलवाया तो जैसे ही माँ केकई मैया आई, अब देखो जो केकई माँ है ये बचपन से बहुत वीरांगना है। रावण के विषय में बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं, राजा लोग भी हैं, लेकिन किसी को रावण के विषय में चिंता नहीं है। अब रावण कितना बड़ा है,
बोले महाराज रघु, महाराज दिलीप, महाराज आज, महाराज दशरथ, चार पीढ़ियां बीतने के बाद श्री राम जी पांचवें नंबर पर आते हैं, तब श्री राम जी के हाथ से रावण मरता है, इसकी आयु बहुत लंबी है। तो श्री माँ केकई बचपन से देख रही है कि बड़े बड़े संत महात्मा लोग हैं, बड़े बड़े राजा लोग हैं, पर रावण को मारने के लिए कुछ नहीं करते हैं। जब भी मैया की दृष्टि पड़ी कि इतने बड़े बड़े संत हैं, श्री विश्वामित्र जी इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं विश्वामित्र जी, ब्रह्मा जी ने स्वर्ग बनाया, इन्होंने भी स्वर्ग बना दिया, ब्रह्मा जी ने गौ बनाई, इन्होंने भी गौ बना दी, ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाया, इन्होंने जो बना दी, तो जो नई नई चीजों का निर्माण करे उसे क्या कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं। तो इतने बड़े साइंटिस्ट है पर रावण को मारने के लिए कुछ नहीं करते। महर्षि अगस्त जी इतने बड़े महात्मा जी है कि तीन अंजुली में सागर को पी जाते हैं, लेकिन रावण को मारने के लिए कुछ नहीं करते। परशुराम जी इतने बड़े संत है, ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है, कि जिन्होंने अपने फरसे से 21 बार उद्दंड राजाओं को मारा, लेकिन रावण को मारने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैया ने सोचा कि मैं ऐसे व्यक्ति से विवाह करूंगा जो रणभूमि में रावण को मारे, तो विवाह किया श्री महाराज दशरथ जी से। तो दशरथ जी की ये दशा है कि मारी सुभाओ बक्सर में 500 किलोमीटर दूरी है अयोध्या से, लेकिन वहीं पर जाकर के इनको ही मारते नहीं है, रावण ब्राह्मण है इसलिए महाराज दशरथ जी को भी डर लगता है कि इसे कौन मारे। तो उसके बाद में फिर सोचा कि मैं ऐसी दिव्य संतान को प्रकट करूंगा जो रणभूमि में रावण को मारे, तो संतान तो इतनी दिव्य हुई है, इतनी शक्तिशाली हुई श्री भरत लाल जी, लेकिन वो कभी भी चीटी को भी मारना पसंद नहीं करते, शत्रु पर भी सरलता से धनुष बाण उठाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए श्री मैया ने कहा कि अब तो सारा मामला ही बिगड़ गया, कोई भी रावण को नहीं मार सकता। तब मिथिला से जब पाती आई कि श्री राम ने उस धनुष को उठा लिया है जिसको रावण और बाणासुर हिला भी नहीं पाए हैं, तो मैया ने सोचा कि श्री राम ही मेरे वो संतान है जो रणभूमि में रावण को मारेगा। फिर माँ ने सोचा कि अगर मैं राजसी वस्त्र में उनको भेजूंगा तो राजसी वस्त्र वालों से रावण छेड़छाड़ नहीं करता है। रावण की एक आदत है कि वो राजा महाराजाओं को छोटे छोटे चींटे समझता है और सोचता है इनसे लड़ने में मेरी इंसल्ट होगी, इसलिए वो इनसे बाजता नहीं है। पर रावण का स्वभाव है कि वो वल्कल वस्त्र वाले को देखे नहीं छोड़ता, साधु वेश में किसी को भी देखा कि रावण पीछे पड़ जाता है। तो मैया ने कहा कि इनको मैं वल्कल वस्त्र धारण करवा के भेजूंगा ताकि साधारण मुनि समझ करके इनके साथ में रावण छेड़छाड़ करेगा और इसके बदले में श्री राम रणभूमि में इसको मारेंगे। तो यही सोच करके मैया का मन था कि यही करके मैं श्री राम को वल्कल वस्त्र में वन में भेजूंगा जब वो शादी करके आ जाएंगे उसके बाद में। पर अब जैसे श्री राम जी आए तो राम जी को मैया ने जैसे देखा तो मैया का जो वीर भाव था वो वात्सल्य भाव के नीचे दब गया है, ऊपर वात्सल्य भाव आ गया। और मैया ने सोचा कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मेरे बेटे को इतना बड़ा कष्ट प्रदान नहीं कर सकती मैं, बड़े बड़े संत महात्मा लोग घर में बैठे, बड़े बड़े राजा घर में बैठे, तो मुझे क्या ऐसी पड़ी है जो मैं रावण को मारने के लिए श्री राम को इतना कष्ट दूं, इसलिए मैं कष्ट देने वाली नहीं हूँ। तो मैया का जो वीर भाव है वो वात्सल्य भाव के नीचे दब गया है, परंतु प्रभु का स्वभाव है श्री राम जी का कि उनका कार्य करने वाला जीवात्मा करोड़ों की भीड़ में भी अगर छुप के बैठा रहेगा तो भी वो उसके बीच से उसको खींच लेंगे। तो श्री महाराज श्री राम जी के मन में आया कि मेरी माँ केकई ही वो है जो निश्चित रूप से मेरा काज कर सकती है। तो यह सोच करके श्री राम जी ने मैया केकई को बुलवाया दासी से। इधर महाराज दशरथ जी ने घोषणा कर दी कि मैं श्री राम को राजा बनाने जा रहा हूँ, तो सारे लोग नाचने लगे, बैंड बाजे बजाने लगे, ये आवाज गई स्वर्ग में। तो स्वर्ग के देवता लोगों ने सोचा कि अगर श्री राम राजा बन जाएंगे तो हमारी राज सत्ता कैसे मिलेगी। तो स्वर्ग के देवताओं ने प्रार्थना की शारदे मैया से कि मैया आपको हमारा काम करना है। काली लगन भले के ठीक
अयोध्या के लोग प्रसन्न होकर के दीप जला रहे नाच रहे हैं, लेकिन स्वर्ग में देवता लोग परेशान है कि श्री राम राजा बन जाएंगे तो हमारा काष्ठ बिगड़ जाएगा। मैया शारदे मैया से प्रार्थना की, मैया सामने खड़ी हुई, माँ किसी भी तरह श्री राम को वन में भेज दो, श्री राम राजा नहीं बनना चाहिए। तो माँ शारदे मैया ने कहा कि देवताओं निवास तो बहुत ऊंचा है लेकिन विचार बहुत छोटे हैं। अगर किसी की खुशी में शामिल नहीं हो सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी की खुशी में आग तो नहीं लगाना चाहिए। किसी की बगिया में पुष्प नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, लेकिन उसके लगे हुए पुष्पों को उजाड़ो तो मत। किसी के घर दीपक नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, लेकिन उसके लगे हुए दीपक को कम से कम बुझाओ तो मत। देवताओं अयोध्या की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते कोई बात नहीं, लेकिन उनकी खुशियों में कम से कम आग तो मत लगाओ। तुम लोग देवता हो, सारे लोगों के पूजने हो। देवताओं ने कहा कि मैया हमारा ही लाभ नहीं है श्री राम के बन जाने में, इस संपूर्ण संसार का कल्याण ही श्री राम के बन जाने में है। रावण मरेगा नहीं मैया, आप भी जानती हो, इसलिए श्री राम को वन में जाना जरूरी है। तो माँ ने सोचा कि ठीक है, इतिहास में मेरा भी नाम आएगा कि मैया ने भी श्री राम के वनवास में राम काज में सहायता दी है। इसीलिए मैया ने कहा ठीक है मैं जाती हूँ। अब मैया शारदे मैया अयोध्या में आई तो माँ ने देखा कि जिसने रघुवंश की रोटी खाई है, माँ सरयू का पानी पिया है, वो श्री राम के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो मैया ने चारों तरफ घूम करके देखा तो जो मंथरा है ये बगिया में घूम रही थी। तो मैया ने देखा ये मंथरा मन ही मन में श्री राम से थोड़ा बैर करती थी। तो माँ ने कहा कि इसी की मति को परिवर्तित किया जाए। तो माँ ने मंथरा की मति को घुमाया और शारदे माँ वहां से चली गई। अब जब ये आनंद उत्सव मन रहा है, सारे लोग नाच रहे हैं, तो मंथरा दौड़ करके आई, बोले इतना तुम लोग काहे नाच रहे हो? तो बोले तुम्हें पगली पता नहीं है, तुम तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई, श्री राम राजा बनने वाले हैं, युवराज पद की पदवी महाराज प्रदान कर रहे हैं, कल राजा बन जाएंगे श्री राम जी, जल्दी जल्दी तैयार होकर के आओ। तो मंथरा ने उसी समय संकल्प ले लिया कि मेरा समय अब आ गया है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मंथरा ने मन ही मन में सोचा, देखो मंथरा के शरीर पर कुबड़ निकला हुआ था, तो अयोध्या के लोग क्या करते थे कि उसको बार बार उसकी हंसी करते थे, उसकी कुबड़ थी। तो मंथरा ऊपर से तो हंस देती थी लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत भयंकर जलन होती है। और मन ही मन में वो संकल्प लेते कि अयोध्या के लोगों चिंता मत करो, मेरी खूब हंसी तुम लोग कर लो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि मैं ऐसा पासा पलटूंगा कि सारी अयोध्या के लोगों को मैं खून के आंसू एक साथ में रुलाऊंगा। तो आज मानो विधाता ने मंथरा का समय अनुकूल दे दिया। मंथरा ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अयोध्या में ऐसा होने नहीं दूंगा। दौड़ते हुए आई और श्री मैया कैकेयी के महल की ओर प्रस्थान करती है। इधर दासी द्वारा श्री माँ कैकेयी पहुँचती है श्री राम जी के दरबार, श्री राम जी के पास में। राम जी उदास सैया पर बैठे हुए हैं। मैया कैकेयी घबरा गई, बोली श्री राघव तुम्हें क्या हो गया है? दासी ने कहा कि तुम्हारे सर में दर्द है बेटा। श्री राम जी ने कहा मैया दर्द तो है। तो माँ कैकेयी ने कहा कि राघव बताओ तो सही कौन से वेद को, कौन से डॉक्टर को बुलाओ जिससे तुम्हारे सर का दर्द सही हो। तो श्री राम जी ने कहा कि मैया मेरे सर में दर्द तो हो रहा है लेकिन इसका इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं है, आपके पास में अगर आप चाहें तो इसका उपचार हो सकता है। तो मैया कैकेयी ने कहा कि राघव मेरे शरीर की चमड़ी को उदेड़ करके उसको गार करके उसके लेप को लगाने से भी अगर तुम्हारा सर दर्द सही होता हो तो मैं अपनी चमड़ी भी उदेड़वाने के लिए तैयार हूँ, बोलो कैसे सही होगा? श्री राम जी ने कहा कि मैया शरीर से चमड़ी उदेड़ने में तो दर्द फिर भी कम होगा, मेरा काज करने में शायद इससे भी बड़ा दर्द आपको हो सकता है। मैया कैकेयी ने कहा तुम कहना क्या चाहते हो? श्री राम जी ने कहा मैया आप मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो। माँ कैकेयी ने कहा तुम्हें इसमें संदेह है? श्री राम जी ने कहा मैया आप इस सारे संसार का अवजस ले सकती हो? तो श्री राम जी से मैया कैकेयी ने कहा कि मैं अवजस लूंगा तो तुम्हें बदले में क्या मिलेगा? तो श्री राम जी ने कहा कि मैया अगर आप अवजस लोगी तो मुझे तीनों लोग का जस मिलेगा, मेरा वैभव बढ़ेगा, मेरे लोग मेरा यश बढ़ जाएगा संसार में। तो मैया कैकेयी का बस इतनी सी बात है तो मुझे कोई मतलब नहीं संसार के जस अवजस से, भले अवजस मिले पर मेरे राघव का यश बढ़ना चाहिए, बताओ क्या करना है?
तो माँ केकई से श्री राम जी ने हाथ जोड़ते कहा कि मैया आप मुझे वचन दो कि जो मैं चाहता हूँ वो आप कर लोगे। तो माँ केकई ने कहा कि राघव तुम्हें आज हो क्या गया है, तुम अपनी माँ केकई पर संदेह कर रहे हो। श्री राम जी ने कहा मैया मेरी प्रार्थना है कि वचन दीजिए। माँ केकई ने कहा कि ठीक है मैं वचन देती हूँ राघव कि तुम जो चाहोगे मैं वो चाहोगे मैं वो करूंगा, बताओ क्या करना है। तो श्री राम जी ने कहा कि मैया शरीर की चमड़ी उधेड़ने का दर्द भी आप सहन कर सकती हो, संसार का अपजस भी आप ले सकती हो, लेकिन मेरा काज करने के बाद में आपकी संतान भरत भी आपको माँ कहने से इनकार कर देगी, इतना सहन कर पाओगी। मैया पृथ्वी पर धड़ाम से गिर जाती है कि राघव भरत मेरी वो संतान है जो विद्रोहियों का भी अपमान करना कभी कभी सोचता भी नहीं है, कल्पना में भी वो विद्रोहियों शत्रुओं का भी अपमान नहीं करता है, और ऐसी मेरी संतान भरत अगर मेरा अपमान करे इसका मतलब विशेष रूप से ये विषय बहुत गंभीर है, इसलिए मुझे गंभीरता से लेना पड़ेगा। माँ ने फिर भी अपने आप को संभालते कहा कि राघव बताओ कि करना क्या है, मुझे मंजूर है अगर तुम्हारा ही तो तुम्हारा जस बढ़े तो भले ही मेरी संतान मेरा त्याग करे, बताओ कि करना क्या है। श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा कि मैया मैं बस इतना चाहता हूँ कि कल जो पिताजी मुझे राजा बनाने जा रहे हैं तो वो वाला वचन आप मांग करके ये मेरी राजगद्दी को कैंसिल स्थगित करवाइए और मेरी जगह पर मेरा भैया भरत राजा बने, एक वरदान ये मांग लीजिए और दूसरा वरदान मैया ये मांगना कि मेरा 14 वर्ष का वनवास आपको मांगना है। मैया केकई कांपते हुए रोते हुए कहते कि राघव इतना निष्ठुर कर्म करने के लिए इस पूरी अयोध्या में आपको मैं ही दिखाई दे, मेरे प्रेम में कौन सी कमी थी राघव, जितना लोग प्रेम करते हैं उतना ही प्रेम मैं भी आपसे करती हूँ, मैंने कभी मेरी संतान को इतना दूध आंचल में नहीं पिलाया, उससे ज्यादा मैंने आंचल में आपको दूध पिलाया है, कौन सी कमी रह गई मेरे प्रेम में जो इतनी बड़ी सजा आपने मुझे दे दी है, मैं ही दिखी आपको कर्म करने के लिए। श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए, बोले मैया आप ही वो कर्म कर सकती हैं और अगर आप नहीं करेंगी मैया, अगर मैं वन में नहीं गया तो 1000 वर्ष से हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है साधुओं की, किसने लगाया वो ढेर, राक्षसों ने खा खा करके लगाया, मैया वो हड्डियां मुझसे न्याय चाह रही है, वो 1000 वर्ष से सबरी जी के बेर मेरी प्रतीक्षा कर रहे मैया, इन सब का क्या होगा अगर आप वरदान नहीं मांगेगी तो, मेरी प्रार्थना मैया आपको मांगना पड़ेगा। तो माँ केकई ने रोते हुए कहा कि राघव रोज आपको लोग भगवान कहते हैं, मैंने कभी आपको भगवान नहीं माना है, लेकिन आज आपको मैं ईश्वर मान करके आपसे प्रश्न करती हूँ, उसका उत्तर दीजिए। जो प्रश्न किया कि प्रभु आपके शरण में जिस समय जो सबसे ज्यादा आपकी भक्ति करता है, आपका भजन करता है, आपके चरणों में समर्पण भाव रखता है, आप सबसे ज्यादा उसी भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं, जो सबसे ज्यादा बगिया में जो पुष्प खिलता है प्रभु वो रोज यही प्रार्थना करता है कि कोई माली ले जाकर के मुझे तोड़ दे, मुझे श्री राम जी के चरणों में चढ़ा दे, लेकिन लोग निर्दयता पूर्वक उन पुष्पों को तोड़ करके कहाँ चढ़ाते हैं, जब मुर्दा शमशान घाट पर लेकर के जाते हैं तो उनके ऊपर उड़ा उड़ा करके जाते हैं, वो पुष्प ये नहीं चाहता है कि मेरे किसी अर्थी पर मैं सजू, मैं तो प्रभु के चरणों में जाने लायक बना हूँ, फिर भी लोग ऐसा काम करते हैं, क्यों, क्योंकि आपने ऐसा नियम बनाया है इसीलिए लोग ऐसा करते हैं। मैं कहना है चाहती हूँ प्रभु कि जो सबसे ज्यादा आपकी भक्ति करता है, आपसे प्रेम करता है, आप सबसे ज्यादा उसी की परीक्षा क्यों लेते हो। तो श्री राम जी की आंख में आंसू आ गए और कहा मैया
आपके इस प्रश्न का कोई भी उत्तर मेरे पास में नहीं है। केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ मैया कि इसीलिए मैं भक्तों की चरणों की धूल को अपने मुकुट पर मैं धारण करता हूँ। संसार के लोग मेरे पास में अगर थोड़े समय में भी आएंगे तो केवल स्वार्थ के लिए आएंगे, केवल मेरा भक्त ही मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरा काज करने के लिए कष्ट भोगता रहता है और संसार में मेरा प्रचार प्रसार करता रहता है। इसीलिए भक्त का को सदैव मैं अपने सिर पर धारण करता हूँ। चरण धूली लेने के लिए मैं दौड़ दौड़ करके पीछे जाता हूँ। इसीलिए मैया यही उत्तर है मेरे पास में कि मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। मैया आपको इस प्रश्न आपको ये मेरा काज करना पड़ेगा। मैया कैकेयी अपने आप को संभालते हुए महल से निकली। श्री राम जी ने माया को आदेश दिया है, योग माया को, कि जब तक माँ वरदान नहीं मांगे तब तक तुम अपने बात से हिलना मत, माँ का हृदय कठोर बनाए रखना। और मैया कैकेयी दौड़ करके अपने महल में आती है, पालने में बैठी है मैया और मंथरा उधर से आती है। तो मंथरा माँ कैकेयी की मुंह बोली दासी है, इसीलिए मुंह गुब्बारा करके आके पास में बैठ गई है। मैया कैकेयी तो ये बात भूल गई है क्योंकि माया का आवरण भगवान श्री राम जी ने इन पर चला दिया। मैया ने मंथरा से पूछा कि तुम इतनी उदास क्यों हो, कहां से आ रही हो? तो मंथरा ने कहा कि उदास का ही प्रसंग है इसलिए मैं उदास हूँ। क्यों? मेरी अयोध्या में सब ठीक है, महाराज दशरथ जी ठीक है, अच्छा ये बताओ मेरे श्री राम कैसे हैं? तो मैया कैकेयी से मंथरा ने कहा कि हाँ हाँ सब बहुत ठीक है, और वो तुम्हारे राम है ना, उनसे उनका तो आज कहना ही क्या है, वो तो इतने प्रसन्न है। कितने बोले, उनको तो कल श्री महाराज राजा बनाने वाले हैं, तो वो तो बहुत प्रसन्न है। तो ये सुनते ही मैया कैकेयी ने गले का हार निकाल के मंथरा को पहना दिया। बोले पगली, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, अगर मेरे श्री राम राजा बने तो बहुत अच्छी बात है, तुम इतनी उदास क्यों? तो मंथरा ने क्या करा कि गले का जो हार था उसको उतार करके मैया की तरफ फेंक दिया है, क्योंकि माँ का पालन पोषण भी मंथरा ने ही किया है, तो ये थोड़ी मुंह बोली दासी है, तो इसका मन पड़ता वही व्यवहार ये करती है। मैया नाराज होकर के मैया से कहती है कि तू केवल पालने में ही झूला 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 कर, तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। किसने? बोले कौशल्या ने रचा है। अब देखो मैया कौशल्या बीच में कहां से आ गई, पर चुगलखोर लोगों की आदत है कि जिसका किसी इस मैटर से लेना देना नहीं होता है उसी को बीच में घसीट के पेश करते। मैया कौशल्या का तो इसमें सवाल ही नहीं है, लेकिन इसने नाम लिया किसका, कौशल्या मैया का, कि माँ देवी कौशल्या ने तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। क्यों? क्योंकि श्री महाराज दशरथ जी तुमसे अधिक प्रेम करते हैं, तुम्हारे आदी ने, इसीलिए कौशल्या ने षड्यंत्र रचा है। श्री राम देखना राजा बनेंगे, उसके बाद में तुम्हारी वही दशा होगी जैसे दूध में से मक्खी को निकाल करके लोग फेंक देते हैं ना, वैसे ही तुम्हें फेंक देंगे। तो मैया कैकेयी ने कहा कि तुम तो पागल हो, एक थप्पड़ लगाया और कहा मंथरा एक बारी की मेरे स्वामी मेरे पति के बारे में कुछ बोलोगी तो मैं सहन कर लूंगा, लेकिन दीदी कौशल्या के बारे में मत बोलना। अरे पगली, वो इतनी खराब मन की होती तो क्या राम जैसी संतान को प्रकट कर सकती थी, इसलिए वो बहुत अच्छी है। अब मंथरा ने सोचा कि मेरा तो काम ही नहीं हो रहा है। मंथरा ने श्री माँ कैकेयी के चरण का स्पर्श कर लिया है और स्पर्श करने से भी ये जो परमाणु है ये एक दूसरे में अगर संत है, इसीलिए तो बार बार कहते कि साधु महात्मा के चरण मत पकड़ो, दूर से प्रणाम करो, क्योंकि गृहस्थियों में और सन्यासी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप कितने भी बार स्नान करो लेकिन जो संत है वो दिन रात प्रभु के चरणों में रहता है, इसलिए उसका प्रभाव अलग रहता है और आप लोगों का प्रभाव अलग रहता है। इसीलिए उसकी साधना में बाधा पहुंचती है, उसको कष्ट पहुंचता है, इसीलिए नियम है कि दूर से प्रणाम करना चाहिए, ये छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो मैया कैकेयी को मंथरा ने स्पर्श किया है, तो माँ के अंदर इधर श्री राम जी की माया चल रही, इधर मंथरा का स्पर्श हुआ और माँ की जो मति है वो बदलती है। मंथरा ने डराते कहा कि पागल हो क्या? माँ ने कहा श्री राम तो मुझे बहुत प्रेम करते। तो मंथरा ने कहा कि प्रेम तभी तक है। कब तक है? बोले कैकेयी और मंथरा ने एक चौपाई अपने मुख से बनाई है, भान